बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेज हुमैरा हूँ। आज आपको मैथ ए फोर्थ ईयर का पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। आपको पता है कि बीएससी में आपने दो किताबें थर्ड ईयर में पढ़ी हैं, एक मैथमेटिकल इंडक्शन और कैलकुलस। कैलकुलस के पहले 6 चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ ईयर में आपका सिलेबस 7th, 8th और 9th चैप्टर पे मुश्तमिल है। मैंने चैप्टर 9 को पढ़ाने का इंतखाब किया है। इसकी वजह यह है कि इसका चैप्टर का नेम पार्शियल डिफरेंशिएशन है और ये डेरिवेटिव से रिलेटेड है, पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड है। और आप चैप्टर नंबर 2 में पार्शियल डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। हमने एक इक्वेशन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन 2nd चैप्टर में पढ़ी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी नॉट, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट ऑन द सरफेस। हमारे पास इक्वेशन ये है कि लैम्डा एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस म्यू वाई माइनस वाई नॉट प्लस म्यू जेड माइनस जेड नॉट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी नॉट, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट ऑन द सरफेस। हमारे पास क्या है, वो है एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर लैम्डा इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट ओवर म्यू एंड जेड माइनस जेड नॉट बटा म्यू। अब आपके पास ये पॉइंट है कि एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट कौन से पॉइंट हो सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि जिनमें से, या एक्स नॉट कोई भी पॉइंट हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसी तरह हमारे पास 3 पॉइंट एक सरफेस पर दिए होते हैं, जैसे 2, 4 और 6। अब 2 किस को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स नॉट को। इसी तरह सेकेंड पॉइंट वाई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा और थर्ड पॉइंट जेड नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि लेमडा क्या चीज है। लेमडा से मुराद ये है कि फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें जब हम पॉइंट पुट करेंगे तो वो पॉइंट लेमडा कहलाएगा। इस तरह म्यू क्या है कि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसमें जो पॉइंट हमें गिवन है वो पुट करेंगे तो वो पॉइंट न्यू कहलाएंगे। जबकि न्यू पॉइंट इक्वल टू -1 के बराबर है। इसकी वजह यह है कि हमारे ये जो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हमारी जो सरफेस जेड है वो 2 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, एक्स और वाई पर। तो हम न्यू का पॉइंट इक्वल टू -1 ले लेंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारी एक्सरसाइज जो है वो पेज नंबर 395 पर है और हमारे चैप्टर का नेम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट ये एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सरफेसेस एट इंडिकेटेड पॉइंट। आल्सो फाइंड द लाइन नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर आपका है जेड इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। मैंने एक जरा डिफरेंट क्वेश्चन का इंतखाब इसलिए किया है ताकि आप उसका डेरिवेटिव लेना आप देख सकें। तो हमारा क्वेश्चन है कि जेड इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स और आपको पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, 1, 1, पाई बाय 4। अब 1 किसको जाहिर कर रहा है, एक्स नॉट को। वाई नॉट किसके बराबर है, 1 के बराबर। एंड जेड नॉट किसके बराबर है, 5 बाय 4 के बराबर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि जेड किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स वाई। नाउ वी नो दैट जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बराबर है टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट फंक्शन एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर हम इसको पार्शियल बाय पार्शियल एक्स टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अब आपको पता चल रहा है कि ये टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, डी बाय डी एक्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हम टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन तो हमारे पास क्या होगा कि 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। एंड फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फंक्शन आपका क्या है, वाई बाय एक्स। जब हम वाई बाय एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -y ओवर एक्स स्क्वायर और
अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपके पास जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + y² / x² आया था। जब हम आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या होगा कि x² + y² / x² अब ये x² क्योंकि रेसिप्रोकल में है तो ऊपर चला जाएगा और आपके पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वाई बाय एक्स आया था वो किसके बराबर हो जाएगा -y/x² के। अब x² से कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया कि -y/x² + y² इसी तरह जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो हम पार्शियल बाय पार्शियल वाई टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स लेंगे यानी इसमें हम एक्स को क्या करेंगे तो कॉन्स्टेंट रखेंगे और हम ओनली वाई के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव तो वही आएगा जो कि आपको पता है कि 1/1 x² + y² अब आप जब इसका डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई आया तो x/x² + y² अब हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स में पॉइंट्स पुट करेंगे और पॉइंट्स आपके क्या हैं 1 1 π/4 क्योंकि इसका आंसर फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का -y/x² + y² है तो वाई की जगह आप 1 पुट करेंगे x² की जगह आप 1 का स्क्वायर + y का स्क्वायर 1 + 1 यानी -1/2 इसका आंसर आएगा। लेमडा की वैल्यू आप देख रहे हैं कि -1/2 है। इसी तरह म्यू की वैल्यू क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई में आप पॉइंट्स पुट करेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसका आंसर आपके पास 1/2 आ रहा है। अब हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आपके पास क्या है कि लैम्डा x-x0 + μ y-y0 + μ z-z0। अब लैम्डा का आंसर किसके बराबर है 1/2 के बराबर। एक्स नॉट की जगह आप क्या पुट करेंगे वो पॉइंट्स पुट करेंगे जो कि आप क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है कि 1 1 π/4। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्स नॉट किसके बराबर है 1 के बराबर, वाई नॉट किसके बराबर है 1 के बराबर एंड जेड नॉट किसके बराबर है π/4 के बराबर। अब हम इस इक्वेशन में पॉइंट्स पुट करेंगे लेमडा की जगह आप क्या पुट करेंगे -1/2 x-1 + μ की जगह आप 1/2 पुट करेंगे वाई नॉट की जगह आप 1 पुट करेंगे एंड म्यू की जगह आपको -1 पुट करेंगे और दैट -π/4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आता है कि x-y + 2z बराबर है π/2 के। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन सॉल्व हो गई है। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट P ऑन द सरफेस फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या है x-x0 / λ = y-y0 / μ एंड z-z0 / μ। अब आप एक्स नॉट की जगह 1 वाई नॉट की जगह 1 एंड जेड नॉट की जगह π/4 पुट करेंगे लैम्डा म्यू और न्यू की जगह उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन जब सॉल्व होगी तो आंसर आपके पास आएगा x-1/1 y-1/-1 एंड z-π/4/2 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अब आप देखें कि ये क्वेश्चन कितना ईजी है और इसमें आपको दो इक्वेशन सबसे पहले याद करनी है कि इक्वेशन वो क्या है कि लैम्डा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन लैम्डा x-x0 + μ y-y0 + μ z-z0। दोबारा इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट वो पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। इसके अलावा लैम्डा म्यू और न्यू वो पॉइंट्स हैं जो कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करें और उसमें वो पॉइंट्स पुट करें जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। म्यू फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करें और उसमें वाई नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट के पॉइंट जो कि आपको दिए हुए हैं वो पुट करने हैं और न्यू के पॉइंट्स इक्वल टू -1 ही रहेंगे क्योंकि ये सरफेस जो है जेड इज इक्वल टू किसके बराबर है f(x,y) के बराबर है और टू पॉइंट में एग्जिस्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो आपके x और y वेरिएबल पे ही कंसिस्ट करेंगे।
इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो क्या है कि जेड इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखें कि इसमें जो पॉइंट हमें गिवन है वो क्या है, 3 माइनस 4 और 3/5। अब हम सबसे पहले जेड की जगह क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स वाई, और जो क्वेश्चन हमें गिवन है इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करेंगे, एफ एक्स। एफ एक्स मीन फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसका पार्शियल बाय पार्शियल एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपका यू ओवर वी की फॉर्म में है, इसका मतलब है कि हम इसमें क्वेश्चन टूल लगाएंगे। अब क्वेश्चन टूल हमें क्या कहता है कि वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी। ये सब डेरिवेटिव्स आप चैप्टर नंबर 2 और सेकंड ईयर में अच्छी तरह करके आए हुए हैं, उसके तहत हम इसका यू ओवर वी के तहत डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। जब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का डेरिवेटिव आपको स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि इसकी पावर क्या है, 1/2। और जब हम क्वेश्चन टू के तहत इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आपका स्क्वायर आ जाएगा। अब वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी के तहत जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 यानी वी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 आ गया है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स फर्स्ट एक्स माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ वी। तो 1/2 जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो चूंकि स्क्वायर रूल है तो हम इसका पावर फार्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा कि 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2। फिर हम वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप देखें कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है -1/2 हम कॉमन निकाल लेंगे। अब कॉमन निकालने के लिए मैंने साइड पे आपको बताया हुआ है कि -1/2 में अगर 1+ करें तो आंसर क्या आता है, 1/2। इसका क्या मतलब है कि -1/2 में -1/2 यानी एक पावर अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है कि वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2। अब ये 3/2 क्यों हो गई है, आप नीचे देखें कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो पावर कैंसल हुई है उसकी पावर 1 रह गई है। अब 1 जब ऊपर वाला -1/2 नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, +1/2। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 3/2 होल 3/2। तो आंसर आपका क्या है कि वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 3/2। अब ये आपकी वैल्यू किसकी निकली है, एफ एक्स पी। अब हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें पॉइंट्स पुट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब है कि इसमें एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -4 लगेगी। जब हम एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आता है कि 16 16/25 और उसकी पावर 3/2। अब आपको पता है कि 25 किसका स्क्वेयर है, 5 का स्क्वेयर है। जब हम 5 का स्क्वेयर लिखेंगे तो वो 2 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा और आपके पास क्या आंसर आएगा, 16/5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 16/125। तो ये आपकी लेमडा की वैल्यू आ गई। इसी तरह जब आप म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पहले सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाइंड वाई फाइंड आउट करेंगे। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल पावर -1/2। अब आपको नजर आ रहा है कि ये इसमें प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, यानी आपके पास दो फंक्शन है, एक यू है और एक वी है। तो यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। अब जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करेंगे तो एक्स कॉन्स्टेंट रखेंगे और वी का डेरिवेटिव लेंगे कि -1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और -1/2 में +1 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2। फिर आप वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि 2y। अब 2y आपके पास हो जाएगा, 2 2 से क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है
और आपका आंसर क्या आ रहा है कि माइनस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी पावर क्या हो गई 1/2। यह आपका म्यू की वैल्यू आ गई है। म्यू की वैल्यू उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप इसमें पॉइंट्स पुट नहीं करेंगे। अब आप देखें कि इसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू -4 लगाने से हमारा आंसर 12/125 आ रहा है। अब आप देखें कि लैम्डा का आंसर 16/125 आया एंड म्यू का आंसर 12/125 आया। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट पर फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि यहाँ पॉइंट्स हमारे एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट के पॉइंट्स, आपके एक्स नॉट का पॉइंट 3 है, वाई नॉट का पॉइंट -4 है एंड जेड नॉट का पॉइंट 3/5 है। अब हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन में ये सारे पॉइंट्स पुट करेंगे तो लेमडा की जगह 16/25 लिखेंगे, एक्स -3 प्लस म्यू की जगह 12/125 लिखेंगे और न्यू की जगह -1 यानी कांस्टेंट पॉइंट -1 आ रहा है। जेड माइनस जेड नॉट का पॉइंट्स आपको गिवन है वो क्या है 3/5 है। अब आप देखें कि दोनों जगह लैम्डा का पॉइंट 16/125 है। 125 आप इसका एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी कि 16x-3 प्लस 12y+4 -125 जेड -3/5। अब जेड -3/5 में आप देखें कि आप एलसीएम आपको लेना पड़ेगा और वो क्या होगा तो 5z-3। अब 5 जो है 125 से कैंसिल होता हुआ आपको नजर आ रहा है तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा कि 16x-3 प्लस 12y+4 -25 5z-3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करने के लिए आपने सेम ये मेथड एडॉप्ट करना है और आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट P3 -4 3/5 क्या है। एक्स माइनस एक्स नॉट बाई लैम्डा फार्मूला आपने जरूर लिखना है, इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट बटा म्यू एंड जेड इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट बटा म्यू। अब जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आप एक्स नॉट की जगह 3 पुट करेंगे, वाई नॉट की जगह -4 पुट करेंगे एंड जेड नॉट की जगह 3/5 पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी कि एक्स माइनस 3/16/125 इक्वल टू वाई प्लस 4/12/125 जेड -3/5 ओवर -1। अब हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या होगा कि एक्स माइनस 3/16 वाई प्लस 4/12 एंड जेड -3/5 डिवाइडेड बाय -125। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये पेज नंबर 395 पे एक्सरसाइज है और इसके टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन के अलावा एक एग्जांपल भी है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हमें पता चलेगा कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 215। फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट क्या किया कि जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जेड किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स वाई, सेम वही मेथड आपने अडॉप्ट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स में जब आप पॉइंट्स पुट करेंगे तो वो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई में जब आप पॉइंट्स पुट करेंगे तो वो म्यू की वैल्यू आ जाएगी और न्यू की वैल्यू आपको पता है कि -1 के इक्वल टू है। तो ये हमारे पास फार्मूला आपने जरूर मेंशन करना है, यहाँ फार्मूला मेंशन नहीं है, आपने फार्मूला जरूर मेंशन करना है। फार्मूला क्या है कि लैम्डा एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस न्यू वाई माइनस वाई नॉट प्लस न्यू जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा कि 4x+2y-z-5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आपकी क्या है कि एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर लैम्डा वाई माइनस वाई नॉट बटा न्यू इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट बटा न्यू। इसमें इस इक्वेशन में भी आपने फार्मूलाज लैम्डा म्यू और न्यू की वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब ये एग्जांपल्स प्लस 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क है।
अब आप देखें कि इसके फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जब हम इसका z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर, और इसमें पॉइंट्स आपको क्या दिए हुए, 3 - 1 12। अब आप देखें कि z की जगह आप क्या लिखेंगे, f ऑफ एक्स वाई। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2x आएगा। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6y आएगा। और लेमडा म्यू और न्यू की वैल्यू अब आपको पता चल गई होगी कि इनसे जब आप पॉइंट्स पुट करेंगे तो वो लेमडा म्यू की वैल्यू आ जाएगी और न्यू की वैल्यू 6 होगी, इसमें वो -1 के इक्वल होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें कि जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। अब आपको पता चल रहा है कि इसमें आपके दो फंक्शन है, यानी प्रोडक्ट फार्मूला यूज होगा, और प्रोडक्ट फार्मूला आपके पास क्या है कि यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। तो ये आज आपने फर्स्ट 6 क्वेश्चन और इसकी एक एग्जांपल, ये आपका होमवर्क है जिसे आपने कंप्लीट करना है। और आपको मैं बता देती हूँ कि इस चैप्टर से आपका फुल क्वेश्चन बनेगा, 20 मार्क्स का फुल क्वेश्चन बनेगा, और जिसके 3 पार्ट होंगे, और वो तीनों पार्ट आपके इसी चैप्टर्स में आते आएंगे। और इस ये चैप्टर आपकी 5 एक्सरसाइजेस पर मुश्तमिल है, इसलिए बहुत इजी चैप्टर है। जो काम आपको आज दिया जा रहा है इसको आप आज ही इसको कंप्लीट करें, और अच्छी तरह इन सारे क्वेश्चन एक अपनी कॉपी पे कंप्लीट करें। और अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं।